हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूँ रूपाली। तो आज मैं आपके साथ राजमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ राजमा चावल। तो आप देख सकते हैं मैंने ये छोटे वाले कश्मीरी राजमा ले लिया है और इसे मैंने 4-5 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख दिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत छोटे वाले राजमा हैं, ब्लैक कलर के हैं और आपको किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा। बस आपको बताना है कश्मीरी राजमा, और मैं यही राजमा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। जो बड़े वाले राजमा आते हैं वो मैं नहीं लाती, मैं यही वाले राजमा लाती हूँ। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसे मैंने 4-5 घंटे के लिए सोख कर दिया है और आज मुझे कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैं राजमा और चावल बना कर जाऊँगी, ताकि जब हम लौट कर आएँ बाहर से शॉपिंग करके तो थके हुए रहते हैं तो कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। तो चलिए फटाफट राजमा बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सब ले लिया है और राजमा भी बॉईल करके रख लिया है। तो मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्च ली है और 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं, थोड़ा सा अदरक लिया है और यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने काट ली है और उनको छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने राजमा को बॉईल कर लिया है खूब अच्छे से। मैंने राजमा में उतना ही पानी डाला है जितना ज़रूरत लगेगी। तो ये देखिए खूब अच्छे से राजमा हमारे बॉईल हो गए हैं। राजमा को खाली इतना बॉईल करना है कि हल्के हल्के फट जाएं, और आप देख सकते हैं ये देखिए बस इतना ही बॉईल करना है कि हल्के से राजमा फट जाएँ, ज़्यादा मैश ना हो। और ज़्यादा मैशी हो जाएंगे तो टेस्टी नहीं लगेंगे। और यहाँ पर मैंने सारे खड़े मसाले ले लिए हैं, लौंग, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और गोल मिर्च। तो ये सारे खड़े मसाले मैंने ले लिए हैं और अब मैंने ऑयल हमारा गरम हो गया है तो उसमें मैंने प्याज और सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब खूब अच्छे से प्याज को मैं ब्राउन करूंगी, और प्याज मैं पीस कर राजमा में नहीं डालती हूं, मैं खड़ा ही प्याज डालती हूं उसमें कट करके। तो अगर आपको पीस के चाहिए तो आप पीस कर भी डाल सकते हो, पर मैं यहां पर बिल्कुल महीन महीन चॉप करके डालती हूं राजमे को बनाती हूं। तो अब मैं इसको खूब अच्छे से लाल कर लूँगी फ्रेंड्स। तो मैं एक चीज़ और आपसे बताना चाहती हूँ कि इस समय मेरे घर में चल रही है पेंटिंग। तो आप तो जानते हैं जब घर में पेंट होता है तो कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लहसुन और अदरक डाल दिया है, तो ये भी प्याज के साथ खूब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा और लहसुन और अदरक का पूरा स्वाद प्याज में आ जाएगा अच्छे से। तो अब मैं टमाटर को चॉप कर लूँगी। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि आप कहीं अगर घूमने जाएं तो अपना खाना, सॉरी फ्रेंड्स, बीच में मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी तो मैं कॉल रिसीव करने चली गई थी। और यहाँ पर मैं टमाटर चॉप कर रही हूँ। अगर आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप कहीं बाहर जाते हो शॉपिंग पे शाम को तो लौट के थक कर आओ तो कुकिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो आप खाना बना कर जाइए। मैं हमेशा खाना बना कर ही जाती हूँ तो आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाना बिल्कुल बना हुआ मिलता है। और हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि खाना कुछ अच्छा और स्पेशल बना के जाइएगा, जिसकी वजह से आपको बाहर कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा और आप सोचोगे कि घर पर तो इतना अच्छा खाना रखा हुआ है तो वही खाएँगे खाना। तो बच्चे भी मेरे नहीं खाते हैं बाहर ज़्यादा खाना, बहुत कम खाते हैं, क्योंकि हम लोगों को बाहर का खाना कुछ कम अच्छा लगता है, बहुत कम ही अच्छा खाना जल्दी कहीं मिलता है। कुछ खास जगह हैं जहाँ पर अच्छा खाना मिलता है और हर जगह हर चीज़ अच्छी नहीं मिलती, तो इसलिए मैं जल्दी से बाहर कुछ खाना नहीं पसंद करती हूँ और खाना मैं बना कर ही जाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट राजमा बना दूँगी। आप देख सकते हैं जो टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई थी उसको मैंने प्याज में डाल दिया है, और ये मेरा विनोद का प्रेशर कुकर है फ्रेंड्स, मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ डेली और ये बहुत अच्छा है। इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैं दे दूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने धनिया डाली है 4 चम्मच,
और एक चम्मच मैंने रेड चिली डाली है यहाँ पर, और एक चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। तो ये राजमे की रेसिपी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर मैं हींग डाल रही हूँ। तो जब भी कुछ मैं ऐसा कुछ भारी खाना बनाती हूँ, जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, तो कुछ भी ऐसी भारी चीज़ मैं बनाती हूँ तो हींग ज़रूर डाल देती हूँ, तो डाइजेस्ट हो जाता है खाना हमारा अच्छे से, तो इसलिए मैं हींग डाल देती हूँ। और आप भी चाहें तो हींग डाल सकते हैं। और बहुत सिंपल राजमा ये मेरा है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा कुछ जान ताम नहीं करना। और इसके साथ मैं शाही पुलाव बनाऊंगी। शाही पुलाव की रेसिपी तो बहुत बेस्ट है फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और ये शाही पुलाव हर चीज़ के साथ बहुत अच्छा जाता है, जैसे राजमे के साथ तो बहुत स्वाद बढ़ जाता है राजमे का। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाले के साथ पानी ऐड कर दिया है ताकि मसाला हमारा जले नहीं और खूब अच्छे से भुन जाए मसाला। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिसमें मैंने टमाटर पीसा था, उसी चॉपर में मैंने धोकर इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। और खूब अच्छे से अब हम मसाले को भून लेंगे, और भूनने के बाद मैं राजमा इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मसाला हमारा भुज रहा है और मैं अब डाल रही हूँ इसमें नमक। तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए, जैसा भी आपको नमक पसंद हो, हल्का तेज, जैसा भी नमक आपको पसंद हो वैसा आप नमक इसमें डाल सकते हैं। और आज जो मैं पुलाव की रेसिपी, शाही पुलाव की रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, तो वो पुलाव की रेसिपी आप किसी भी खाने के साथ, जैसे छोले बनाते हैं, राजमा बनाते हैं, या शाही पनीर, मटर पनीर, तो उसके साथ ये पुलाव बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है और मैं अक्सर इसे बनाया करती हूँ, मेरे बच्चों को और हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने राजमा डाल दिया है, और राजमे के उबालते समय जो मैंने पानी डाला था राजमे में, उसी से मैं ग्रेवी लगा दूंगी, अलग से पानी मैं नहीं डालूंगी। तो आज थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया है, नहीं तो मैं इतना ही पानी रखती हूँ कि मुझे अलग से पानी ना डालना पड़े। उबालते समय जो उबला हुआ पानी होता है राजमे का, उसी से मैं ग्रेवी बनाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया है, जो मैंने राजमा बॉईल किया था उसमें जो पानी निकला था वो मैंने डाल दिया था। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और ग्रेवी मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। मेरे यहाँ सबको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही ग्रेवी लगा रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा ग्रेवी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली जो ली थी वो मैं यूँ ही खड़ी डाल दूँगी इसमें, और इससे तीखापन बिल्कुल नहीं आता है और काफ़ी स्वाद अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए जो लीड मैंने लगाई है ये मुझे कुकर के साथ मिली है, और ये बहुत अच्छा है कि आप आराम से इसमें, मैंने इसी में बॉईल किया और इसी में आप देख सकते हैं कितने आराम से मैं राजमा बना रही हूँ। तो बहुत ही बेस्ट कुकर मुझे ये लगा, विनोद का प्रेशर कुकर। ये मेरा 5 लीटर का प्रेशर कुकर है और ये हटिया मार्केट से मैं लाई थी। अगर आपने मेरा हटिया मार्केट का वीडियो नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं कानपुर का हटिया मार्केट, वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लास्ट में गरम मसाला डाल दिया है बिल्कुल हल्का सा, और ये गरम मसाले की रेसिपी भी मेरे वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं, मैंने घर पर ही गरम मसाला बनाया था। और मेरे गरम मसाले का एक सीक्रेट है, वो आप मेरे वीडियो पे देख सकते हो जाकर कि मेरे गरम मसाले का क्या सीक्रेट है और मैं किस तरह घर पर गरम मसाला बनाती हूँ। मैं मार्केट से गरम मसाला नहीं लाती हूँ। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ शाही पुलाव। तो अब मैं यहाँ पर पैन चढ़ा दूँगी और साथ ही साथ मेरा शाही पुलाव भी बन जाएगा। और उधर मैंने गैस की फ्लेम पर राजमा धीमा करके गैस रख दिया है, तो राजमा भी पक रहा है, पूरा फिनिश हो चुका है। बस हल्का सा 5 मिनट तक उसे पकाना है, उसके बाद मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने देसी घी पैन में 2 बड़ा चम्मच डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता ले लिया है, 2 तेज़पत्ता ले लिया है। यहाँ पर मैंने छोटी इलायची, कोकोनट, काजू, किशमिश, लौंग, तो ये सारी चीज़ें मैं इस घी में डाल दूँगी। पहले मैं घी को खूब अच्छे से गर्म हो जाने दूँगी। तो मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने काजू लिया है, छोटी इलायची ली है, लौंग लिया है, किशमिश ली है और कोकोनट लिया है। तो आप चाहें तो आप इसमें, मैंने ड्राई कोकोनट लिया है,
तो आप जो फ्रेश कोकोनट आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ्रेश वाला नहीं था इसलिए मैं ड्राई वाला कोकोनट यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर काजू डाल दिया है और इनको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें किशमिश डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने तेज पत्ता, लौंग और इलायची डाल दी है और किशमिश और कोकोनट थोड़ा सा बाद में डालूँगी क्योंकि कोकोनट जलने का डर रहता है, जल्दी पक जाता है। तो बहुत ध्यान से आप इसे फ्राई करें, जितने भी मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और मसाले खड़े डाले हैं। और ये मैंने इंडिया गेट का बासमती राइस ले लिया था और इसको मैंने करीब आधे घंटे के लिए पानी में सोख करके रख दिया था। पानी में सोख करके अगर आप अपना राइस रख देते हैं तो राइस बहुत अच्छा बनता है, खिला खिला बनता है। और ये राइस तो बहुत ही टेस्टी बनता है, इंडिया गेट का बासमती राइस। तो हम लोग जब भी कोई डिश बनाते हैं जैसे राजमा और ये सब पनीर अनीर, तो उसके साथ मैं यही वाला राइस यूज़ करती हूँ। तो ये शाही पुलाव आप ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ी देर मैं इसे घी में हल्का सा भून लूँगी। और इसमें फ्रेंड्स जाएगी चीनी, जी हाँ चीनी जाएगी। तो काफ़ी लोग को तो आश्चर्य हो रहा होगा कि चावल में चीनी कैसी लगेगी। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगती है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी है अपने राइस में और साथ में मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच करीब नमक डाल दिया है राइस में और मैंने 1 कटोरी राइस लिया था। और साथ में मैं चुटकी भर फूड कलर डाल दूंगी। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी दूध में भिगोकर इस चावल में डाल सकते हैं। तो मेरे पास केसर भी थी पर मैंने केसर नहीं डाला, यहाँ पर मैंने फूड कलर डाल दिया है, येलो कलर का फूड कलर। तो आप देख सकते हो अब खूब अच्छे से हम इसको मिलाएंगे, जो हमने फूड कलर डाला था खूब अच्छे से मिक्स करना है ताकि कलर सारे चावलों पर खूब अच्छे से आ जाए। तो बस अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी और इसे ढककर रख दूंगी। बस 10-15 मिनट में हमारा चावल भी बनकर रेडी हो जाएगा और इसके बाद मैं बच्चों को लेकर जाऊँगी मॉल। तो फ्रेंड्स मैं अपने हस्बैंड पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। शॉपिंग है और ग्रॉसरी का सामान जैसे लाना है तो मैं खुद ही लाती हूँ। कभी उनके पास टाइम नहीं होता है तो मैं अकेले चली जाती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने राजमे में धनिया डाल दी है, गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। तो राजमा हमारा रेडी हो गया है। तो हरी धनिया आप राजमे में डालिए लास्ट में, बिल्कुल बहुत टेस्ट आता है अच्छा उसका। और यहाँ पर मैं पानी ऐड कर दूंगी। तो आज संडे का दिन है और मेरे दोनों बच्चों को मैं लेकर जाऊंगी और लेकर आऊंगी जो जो मुझे लाना है। तो पेंटिंग भी साथ में मेरे घर में चल रही है और साथ में मैं घर की डेकोरेशन के लिए कुछ आइटम्स लाऊंगी और मैं जाऊंगी होम सेंटर। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर मॉल में होम सेंटर है, आप वहाँ से जाकर घर की डेकोरेशन के लिए सामान ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स राजमा बनके रेडी हो गया है, कितना प्यारा कलर आया है। और ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है तो यहाँ पर मैंने धनिया डाल दी है और यहाँ पर मैंने कुकर की लीड लगा दी है। और साथ में इस समय हम चेक कर लेंगे कि हमारा पुलाव बनकर रेडी हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा पुलाव बनकर रेडी हुआ है और एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पुलाव बना है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये दोनों रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। तो बस मैं इतना यम्मी यम्मी खाना बना कर जाऊँगी। और अगर आप इस तरह का खाना बना कर जाएंगे तो बच्चे बाहर कुछ भी नहीं मांगेंगे और कहेंगे मम्मा जल्दी घर चलो, चलकर खाएंगे अच्छा अच्छा खाना हम लोग। तो चलिए चलते हैं मॉल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जेड स्क्वायर आ गए हैं। जेड स्क्वायर मॉल का वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पर डाल रखा है। तो यहाँ पर मैं दोनों बेटियों को लेकर आ गई हूँ और हस्बैंड को टाइम नहीं था। तो आज मैं करूँगी कुछ अपने घर के लिए शॉपिंग अच्छी।
तो आप अपने रूम के लिए होम सेंटर में आ सकते हैं, जहाँ पर घर के डेकोरेशन के लिए बहुत सुंदर सुंदर आइटम मिलते हैं। तो कानपुर जेड स्क्वायर में होम सेंटर का आपको मिल जाएगा स्टोर, जहाँ पर आप घर के लिए सजाने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम मिल जाएंगे। और होम सेंटर की एक बात ये है फ्रेंड्स, अगर आप एक बार होम सेंटर आ गए तो आप कुछ भी बिना लिए यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी ऑफ़र भी मिलते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी मिलती है। तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से लेके जाओगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ पर म्यूज़िक सुन रहे हैं और यहाँ आना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़ रखा है, वो बहुत आगे आगे भागती है तो मुझे थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ता है। और ये क्लिप मेरी बड़ी बेटी बना रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको होम सेंटर जेड स्क्वायर का। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग यहाँ से की। तो अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा मैंने क्या क्या शॉपिंग की। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।